हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th अकाउंट, द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमें कौन कौन सी जनरल एंट्री फॉलो करनी पड़ेगी, कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ये सब हम डील करेंगे नेक्स्ट 8 लेक्चर्स में। यस, ये पूरा चैप्टर मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें सबको डील करूंगा। गुडविल का ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट, आपका रिवर्शन का ट्रीटमेंट, एवरी ट्रीटमेंट में डिस्कस करूंगा। ये रहा शेड्यूल, और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है, क्या कंसेप्ट है। देखो, सिंपल सा एक बात बताऊं। देखो, सपोज करो कि ये मेरा एक पिज्जा है। अब इस पिज्जा कितने लोग खाते हैं, पहले 3 पार्टनर थे, ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी का रेशियो क्या था, 3:1। मतलब अगर इस पिज्जा की 6 स्लाइस है तो ए को मिलेगा 6 स्लाइस है तो ए को मिलेगा 3 स्लाइस, बी को मिलेगा 2 स्लाइस और सी को मिलेगा 1 स्लाइस। अब हुआ क्या, कभी कभी पार्टनर की कभी तबीयत खराब हो जाती है, या उसका मन कहीं और चला जाता है, या वो सोचता है कि यार नहीं यार, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, फॉर वॉट एवर रीजन एक पार्टनर ने सोचा भैया मैं तो ये छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो ये पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूं। तो यहां पे 3 पार्टनर थे ए बी सी। अब सी ने बोला मैं 1 अप्रैल 2023 को रिटायर हो रहा हूं, मतलब 1 अप्रैल 2023 को मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं इस बिजनेस को छोड़ के जा रहा हूं। तो एक बात बताओ, जब कोई बिजनेस को छोड़ के जाता है तब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा। तो अब सी छोड़ गया, तो पहले ए बी सी थे, एक ही पिज्जा था, अब एक ही पिज्जा है, अब उसके 2 शेयर होंगे, एक ए और एक बी। सी तो निकल गया, तो अब ये जो पिज्जा है, अब इनका नया रेशियो क्या है, 1:1, मतलब ए का 1 बी का 1, मतलब इक्वल इक्वल बटेगा, ए को 3 बी को 3। अब सी को कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज सी तो छोड़ के चला गया। तो यहां पे कंसेप्ट क्या बताया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर छोड़ के जाता है। तो अब एक बात बताओ, जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, जब आप भी कोई फर्म में आपने कोई ज्वाइन की तो आप छोड़ के जाओगे, तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। एक, आप जब कोई चीज छोड़ के जाते हो, कोई बिजनेस जो आपने जिसमें पैसा डाला हुआ है वो छोड़ के जा रहे हो, सबसे पहले आपने जो पैसा उस बिजनेस में लगाया वो आपको वापस चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आपको वापस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कैपिटल आपको वापस मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, आपने जो पैसा लगाया वो तो मिलेगा, आपने जो नाम बनाया, भैया पहले 3 लोग काम करते थे ना ए बी सी, तो भैया बिजनेस का नाम भी तो होगा, ब्रांडिंग भी तो होगी, गुडविल भी तो होगा, तो उस गुडविल में आप अपना शेयर नहीं मानोगे, अरे भैया मैं इस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूं और ये मैंने कंपनी ये पार्टनरशिप हमने चालू की है, तो भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मेरे हिस्से का जो गुडविल का शेयर है वो भी तो मैं मांगूंगा ना। तो मैं क्या मांगूंगा, एक तो मांगूंगा मेरा कैपिटल, दूसरा मैं गुडविल का शेयर, और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी मांगूंगा, भैया आप मुझे जो मेरा प्रॉफिट का शेयर है वो मुझे वापस दो, जो मेरा गुल्लक है वो वापस दो, और एक रिवैल्यूएशन का भी शेयर मांगूंगा, हर एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे। अपन इन सब पॉइंट्स पे टच करेंगे, ये कैपिटल, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सब पे अपन टच करेंगे धीरे धीरे धीरे। बट सबसे पहले अपन आते हैं गेनिंग रेशियो पे। ये गेनिंग रेशियो क्या होता है, देखो गेनिंग रेशियो क्या होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि यहां पे 3 पार्टनर है ए बी सी। अब एक बात बताओ, पहले ए कितना पिज्जा खाता था, 3 स्लाइस, ये ए खाता था, ये यहां पे ए खाता था 3 स्लाइस, ए खाता था 3, ये ए। बी कितना खाता था, 2 स्लाइस, ये सी कितना खाता था, यहां पे 1 स्लाइस। अब सी छोड़ के गया, अब ए और बी का जो नया शेयर है जिन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया, ए और बी का इक्वल और इक्वल है, तो अब ए खा रहा है 3 आधा आधा और बी खा रहा है 3 आधा आधा। तो एक बात बताओ, ए 3 खा रहा है, बी 3 खा रहा है, तो अब मुझे एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दो कि यहां पे कौन गेन कर रहा है। ए पहले भी 3 खाता था, अभी भी 3 खा रहा है, तो ए तो कुछ गेन कर ही नहीं रहा, सी के छोड़ने से ए को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, पहले भी 3 पिज्जा खा रहा था, अभी भी 3 स्लाइस खा रहा है, बी पहले 2 खाता था, सी छोड़ के चला गया, अब उसको 3 खाने को मिल रहा है। इसका मतलब है बी 1 स्लाइस का गेन कर रहा है, बी 1 स्लाइस का गेन कर रहा है। तो ये गेनिंग रेशियो निकलेगा कैसे,
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू खाता न्यू में नए में सी के छोड़ने के बाद नया रेशियो क्या बन गया, तीन खाता है बी, पर पहले कितना खाता था ओल्ड कितना था तो टू, तो थ्री माइनस टू वन, तो यहां पे गेनिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू नहीं होगा, न्यू माइनस ओल्ड होगा। तो व्हाट इज गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, मतलब नया रेशियो क्या है पुराना रेशियो क्या था, अगर ये पॉजिटिव में आता है तो वो गेन कर रहा है। चलो देखते हैं पॉजिटिव में आता है क्या, तो अपन केसेस करते हैं ठीक है ना। पहला के ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2 रेस्पेक्टिवली, भाई ए बी सी पार्टनर है, उनका जो पी एफ आर है वो 1:2:2 है, वो बोलता है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो अगर ए रिटायर होता है। ये अलग अलग केस है, तीन अलग अलग केस है, पहले मैं एक केस पे आता हूँ, अगर सिर्फ ए रिटायर होता है, सुनो वो बोलता है ए बी सी, ये ए बी और सी और उनका रेशियो क्या है 1:2:2 ठीक है ना, वो बोलता है अगर ए रिटायर होता है, अगर इफ ए रिटायर तो आपका न्यू पीएफआर क्या होगा। एक बात बताओ, ए तो छोड़ के चला गया बिजनेस में, तो अब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अब एक काम करो उस केस के अंदर ए को ऐसे हाथ रख दो, तो बी और सी का रेशियो क्या बन गया, बी और सी का जो रेशियो बन गया 2:2 विच इज इक्वल टू 1:1। बात समझ में आई, अरे भाई ए रिटायर हो गया, हुआ नहीं हुआ, ए रिटायर हो गया तो ए चला गया, क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा तो ए पे हाथ रखो, बी और सी का रेशियो क्या है 2:2 तो उसका 2:2 के अंदर ही होगा। क्लियर है, समझ में आया। सिमिलरली दूसरा, इफ बी रिटायर, अगर बी रिटायर होगा तो क्या करेंगे, देखो न्यू पी एफ आर क्या आ गया, न्यू पी एफ आर क्या होगा, अगर बी रिटायर हो गया तो दो ही पार्टनर बचे, अगर बी रिटायर हुआ तो दो ही पार्टनर बचे ए और सी, बी तो रिटायर हुआ तो बी पे हाथ रखो, बी पे हाथ रखो, अरे भैया रेशियो 1:2:2 है ना, बी पे हाथ रखो तो ए और सी का ओल्ड रेशियो क्या था 1:2:2, तो वही आपका नया रेशियो हो गया 1:2:2, ये आपका नया रेशियो हो गया, ये आपका न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया, ये आपका न्यू रेशियो हो गया ठीक है ना। चलो और अगर बोलता है, अगर वो बोलता है कि सी छोड़ के जाता है, सी छोड़ के जाता है, तो एक बात बताओ न्यू पीएफआर क्या होगा, सर ए ए और बी बचे, सी तो छोड़ के जा रहा है तो सी पे हाथ रखो तो नया रेशियो क्या होगा 1:2:2। क्लियर है नहीं क्लियर है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ए रिटायर तो ए पे हाथ रख दो, बी और सी का 2:2 मतलब 1:1 रेशियो, क्लियर है, अगर सी रिटायर तो सी पे हाथ रखो 1:2, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा हो तो, क्लियर है। चलो ये तो हमारा हो गया, ये हमारा सिर्फ न्यू पी एफ आर पूछ रहा है। चलो ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, सी रिटायर कैलकुलेट, अब मुझे बता दो, ये तो नीचे आप मुझे कमेंट पे बता दो, बोलता है ए बी सी तीन पार्टनर है उनका इक्वल है, तो ए बी और सी 1:1:1 था इक्वल है, वो बोलता है कि सी रिटायर हो गया, तो सी रिटायर हो गया तो मतलब सी रिटायर हो गया तो मतलब सी पे हाथ रखो, तो ए और बी का ये मेरा ओल्ड रेशियो है, ये मेरा न्यू रेशियो है, ए और बी का 1:1 हाथ रख दिया। बात समझ में आया नहीं आया, टोटल ए बी सी तीन है 1:1:1 ए और बी का जो शेयर है, सी बोलता है मैं तो हो रहा हूं रिटायर, मैं तो हो रहा हूं भाई साहब रिटायर, तो जैसे ही सी ने बोला कि मैं हो रहा हूं रिटायर तो यहां पे ए और बी पे हाथ रख दो, तब ए और बी का रेशियो क्या बनेगा 1:1, ये अपना न्यू रेशियो बन गया, ये आपका न्यू रेशियो बन गया। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यू पी एफ आर, अगर क्वेश्चन पूछेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो तो मैं निकाल नहीं सकता, चलो निकालता हूं, चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, क्या कहते हैं गेनिंग रेशियो, चलो गेनिंग रेशियो निकालो, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड होता है ना कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। चलो पहले ए का निकाले, भाई सी छोड़ के गया ना, तो ए का न्यू रेशियो क्या है 1:2 और ओल्ड क्या है 1/3, चलो भाई निकालो, 6 कॉमन 3 माइनस 2 1/6, क्लियर है। चलो बी का निकालो, ओल्ड क्या है
सॉरी न्यू क्या है 1/2, ओल्ड क्या है 1/3, चलो 6 कॉमन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। तो आपने नोट किया उनका जो 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 गेनिंग रेशियो आ रहा है दोनों का पॉजिटिव आ रहा है वो ए और बी का 1:1, 1/6, 1/6, तो 6 कॉमन तो 1/1 आ रहा है। तो जहां पे क्वेश्चन साइलेंट हो, देखो ध्यान से यहां पे हिंट दिया हुआ है, शॉर्टकट बता रहा हूं, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, सिर्फ लिखा हुआ सी रिटायर, तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो था का, क्या था ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो था वो ही सैक्रीफाई, वो ही गेन रेशियो होगा। ए और बी का ओल्ड रेशियो 1:1 था, न्यू रेशियो भी 1:1 होगा, तो सैक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 ही आएगा, जो मैं आपको निकाल के बता दिया। क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं। चलो ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग दिस ओके रेस्पेक्टिवली, लिखा हुआ है बी रिटायर, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 इन द फ्यूचर, कैलकुलेट द गेन रेशियो। लो भाई यहां पे आपके तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में 3:1, नया क्या दे रखा है, बोलता है भैया बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया और नया रेशियो दे रखा है, बोलता है 4:1, क्वेश्चन में दे रखा है 4:1, क्वेश्चन में 4:1 रेशियो दे रखा है नया रेशियो, तो आपको गेन रेशियो निकालना है। गेन क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्या है, चलो ए का निकालो, फॉर 4/5 माइनस 3/6, तो 30, 6×5=30, 24 माइनस 15 इक्वल टू 9/30। चलो सी का निकालते हैं, सी का क्या है, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्या है 1/5 और ओल्ड क्या है 1/6, अरे भाई 1/5 और 1/6 ओल्ड है, ओके तो 30 हो गया, 6-5 1/30, सिंपल सी बात है, ओके तो आपका गेनिंग रेशियो क्या हो गया 9/30, 1/30, तो चलो आप निकाल नहीं सकते क्या, तो आपका गेन रेशियो हो गया 9/30, 1/30 विच इज इक्वल टू 9:1, ये आपका गेन रेशियो हो गया ए और सी का। बी तो रिटायर हो गया, तो बस आपको वही तो निकालना है, क्या करना है आपको, यही करना था। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी आर द पार्टनर 3:1, बी रिटायर एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन ए और सी इक्वली। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, देखो आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, ओल्ड क्या था, ओल्ड रेशियो क्या है 3/6, ओके 2/6 और 1/6, ओके एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट बोल रहा है कि बी रिटायर हो रहा है, ओके और बी का शेयर ए और सी इक्वली लेंगे, बी को छोड़ के जाना है बिजनेस को, ठीक है, और बी ने कहा मेरा जो शेयर है वो ए और सी इक्वली लेंगे, मतलब मेरा जो शेयर है 2/6 का, वो बोल रहा है 2/6 का मेरा जो शेयर है वो ए और सी इक्वली लेंगे, मतलब मेरे शेयर का जो आधा -2/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/6 का 1/2 कौन लेके जाएगा, ए लेके जाएगा, और 2/6 का 1/2 कौन लेके जाएगा, सी लेके जाएगा, कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, ये दोनों को मिलेगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। अरे भैया बी छोड़ के जा रहा है, बी बाय बाय कर रहा है टाटा, वो बोल रहा है मेरा जो शेयर है वो ए और सी इक्वली ले लेंगे, तो भैया उसका शेयर कितना है 2/6 है, तो 2/6 का आधा ए ले लेगा, 2/6 का आधा क्या ले लेगा, बी ले लेगा, तो अब अपना न्यू रेशियो नहीं निकल सकता, हाँ तो 3/6 प्लस 2/2 कट जाएगा, 2/2 कट जाएगा प्लस 1/6, भाई 2/2 कट गया, ओके 2/2 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका तो वैसे 2/6 माइनस 2/6 इसका तो जीरो ही हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 कॉमन 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2/6 हो जाएगा, तो आपका नया रेशियो क्या होगा, आपका जो नया रेशियो हो गया वो हो गया 4/2, क्या हो गया ए और सी का, ए और सी का जो नया रेशियो हो गया 4/2 हो गया, विच इज इक्वल टू आप 2 से और मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर लो, तो इज इक्वल टू 2/1, ये हो गया ओल्ड, और आपका ओल्ड शेयर क्या है, सर ओल्ड शेयर दे रखा है 3:1, यहाँ पे 3:1, तो यहाँ पे ओल्ड क्या था, ओल्ड का रुको, ये तो नया है, ये तो नया है, और ए बी और सी का ओल्ड क्या था,
3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ये आपका ओल्ड। तो अब आप गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो चलो ए का निकालो, न्यू क्या है, 2/3, 2/1 है ना, 2/3, और ओल्ड क्या है, 3/6, तो कॉमन निकालो, 6 कॉमन 2, 2 4, -3 इज इक्वल टू 1/6। चलो और निकालो, अब ये बी का कौन रिटायर हुआ था, बी, तो सी का निकालो, सी का नया क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, नया क्या है 1/3, 1/3 माइनस पुराना क्या है 1/6, ठीक है ना, 1/6, तो 6 कॉमन, तो यहाँ पे 2-1 इज इक्वल टू 1/6, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1/6, 1/6 मतलब 1/1 हो गया, 1:1 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। और क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है बी रिटायर और उसका शेयर ए और सी इक्वली कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो गेनिंग रेशियो होगा वो भी आपका 1/1 ही होना होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ए बी सी आर द पार्टनर्स उनका 1:3 रेस्पेक्टिवली, ए रिटायर एंड ही शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशियो 3:2:3। कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, आपको ए, ठीक है, बी, ओके, सी, क्या लिखा हुआ है, ए का ओल्ड शेयर कितना है, फॉर 1:3:1, तो 1+3=4, 5, तो 1/5, 1/5, 3/5, 1/5, ठीक है ना। वो बोलता है ए रिटायर हो रहा है, चलो ठीक है, ए रिटायर हो रहा है और उसका शेयर बी और सी 2:3 में लेके जा रहे हैं, मतलब जो ए का 1/5 का जो शेयर है उसका, वो तो चला गया, वो बोलता है बी कितने में लेके जाएगा, 2/3, मतलब बी लेके जा रहा है, प्लस करेंगे 1/5, ए का जो शेयर है उसको 2/3, मतलब 2/5 करेंगे, 2/3 मत कर लेना, 2+3 कितना होता है 5, तो यहाँ पे ए बी क्या लेके जा रहा है, ए का जो 1/5 शेयर है ना उसका 2/3 में डिवाइड करो, तो 1/5 शेयर का इंटू 2/5, और ये जो 1/5 शेयर का बाकी का जो शेयर है 3/5 वो सी लेके गया। अरे भैया टोटल 1:3:1 शेयर है, 1:3:1, तो यहाँ पे हो गया 1:3:1, ओके, 1/5 का जो है वो ए का जो शेयर है वो बोलता है 2/3 में डिवाइड करो, मतलब 2 × 2/5 और 3/5, तो 2 ए का 1/5, 2/5 ये और 3/5 ये लेके गया, दोनों को प्लस करेंगे। चलो और यहाँ पे तो 1/5 - 1/5 = 0 हो गया, 3/5 + 2/25 होगा, और यहाँ पे होगा 1/5 + 3/25 होगा, चलो 25 कॉमन ले लो, तो 5 × 15 + 2 = 17/25, और यहाँ पे भी 25 कॉमन ले लो, तो 5 + 3 = 8/25, तो आपका नया रेशियो क्या आ गया, 17:8, 17+8 करके देख लो, फिर 25 ही होता है, हाँ 25 ही होता है, तो हमने सही निकाला है। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया, देखो ए बी और सी, ओल्ड रेशियो क्या था, सर ओल्ड रेशियो 1:3:1 था, 1:3:1 था, और न्यू रेशियो क्या हो गया, 17/35, 8/25, मतलब 17 और 8, तो ये तो चला गया, तो 17 और 8 ये आपका न्यू हो गया। अब आपका गेन रेशियो निकालो, गेन रेशियो होता है आपका न्यू माइनस ओल्ड, तो यहाँ पे ए का, सॉरी बी का निकालो, बी का निकालो 17/25 - 3/5, 3/5, चलो निकालो, 25 कॉमन, 17 - 5 = 15, 5 × 3 = 15 = 2/25, ठीक है ना। दूसरा सी का निकालो, सी का न्यू क्या है, फॉर 8/25, न्यू और ओल्ड क्या है 1/5, तो आपका 25 कॉमन, 8 - 5 = 3/25, तो रेशियो बन गया, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है 2 और 3, तो रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो क्या हो गया, आपका जो गेन रेशियो हो गया, जो आपका गेन रेशियो हो गया वो हो गया बी और सी का 2/3, और क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया हुआ है 2/3, वही आने वाला गेन रेशियो, आप निकाल के देख लो, आंसर वही आएगा। क्लियर है, समझ में आया, चलो ये समझ में आ गया। अच्छा ए एंड बी सी आर द पार्टनर्स, क्या लिखा हुआ है, 3:1 रेस्पेक्टिव, बी रिटायर एंड ही सरेंडर ही शेयर इक्वली टू ए और सी, ये आप खुद करोगे, वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट पे लिखो, ये मत सोचो कमेंट कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना काम करो, आप अपना कर्म करो और आप अपना आंसर लिखो, ए बी सी आर द पार्टनर्स, ठीक है ना। चलो ओल्ड शेयर क्या है, ए बी और सी का क्या है,
इक्वली सॉरी यहाँ पे ए बी और सी, ओल्ड क्या है ओल्ड फॉर 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है ना। हाँ सर ये तो हो गया। वो बोलता है बी रिटायर, चलो बी रिटायर हो रहा है और उसने अपना शेयर इक्वली दिया ए और सी को, चलो तो बी ने अपना शेयर 2/6, 2/6 का इंटू 1/2 ए ने लिया और 2/6 का 1/2 बी ने लिया, सी ने लिया। अरे भाई बी रिटायर हो रहा है, उसने अपना शेयर इक्वली दिया ए और सी का, तो अब आप निकाल नहीं सकते। अब आप निकालो, ये दोनों को प्लस होगा, सो सॉरी, तो 3/6 प्लस 2 और 2 कर गया प्लस 1/6 इज इक्वल टू 4/6, यहाँ पे 2/6 ये तो माइनस से होने वाला है तो 2/6 इज इक्वल टू 0 और 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6, तो आपका नया रेशियो हो गया 4:2। क्लियर है, समझ में आ गया, तो 2:1 आपका नया रेशियो होगा। तो 2:1 ये किसका रेशियो बनेगा, ये ए और सी का रेशियो बनेगा 2:1। और एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो चेक करना, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड आपका ये इक्वली आने वाला है। क्लियर है, एक बार चेक करना। चलो लास्ट, ए बी सी आर पार्टनर रेस्पेक्टिवली, ए रिटायर एंड ही शेयर डिवाइडेड बाई बी एंड सी इन द 4:1, ये आपके लिए होमवर्क है। नीचे मुझे इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या है, और जो बच्चों आप भी बताओ और दूसरे बच्चे को ठीक करो, अगर उसने गलत किया तो आप बताओ नीचे कमेंट करके उसने सही किया है क्या, दो मैं नीचे पिन करके कमेंट बता दूंगा इसका आंसर क्या है। पर ए बी सी पार्टनर है, उनका 2:1 है, बी रिटायर हुआ, ए रिटायर हुआ और उसका शेयर डिवाइड हुआ बी और सी में 4:1। मैं आंसर बता देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1 ही आने वाला है किसी भी हालत में, आप चेक कर लेना। क्लियर है, चलो अब आपको मैंने बता दिया कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये अपने ने गेनिंग रेशियो निकाला क्या, पर वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा व्हाट इज द गुडविल ट्रीटमेंट, बट जाने के पहले एक बार लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, आपको पूरा 11th और 12th अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। बोर्ड में ऑसम मार्क्स लाओगे एंड जस्ट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट सुपर थैंक्स के थ्रू। यू कैन ज्वाइन माई चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, accountfunda.com पे आप जाती है, पूरा कोर्स 12th का अवेलेबल है, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, देख लेना। 240 आवर्स का कोर्स है, 1000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर स्टेप बाय स्टेप के अंदर। ओके, सो डू सब्सक्राइब माय लेक्चर, क्योंकि आपको अकाउंट्स में ऑसम बनाने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।